इवन पहाड़ों तक मैं सीएनजी में गाड़ी चला सकता हूँ। अच्छा। यानी मैंने मसूरी आपके मुक्तेश्वर तक मैंने गाड़ी सीएनजी पे ही चढ़ा के ले गया हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि पावर और पिकअप में ऐसा कोई मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा। कौन कहता है इंडियन ब्रांड्स बाहर के ब्रांड से कम होते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ड्राइव ऑटो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज़ प्रमोद एंड वी आर इनटू सीएनजी बिजनेस सिंस 2011। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है ये है मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर। और मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर की अगर बात की जाए तो बहुत शानदार गाड़ी है। अब तो खैर मारुति की डिज़ायर हो गई है, ये शेप चेंज कर दी है, काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज कर दी हैं। ये जो गाड़ी है ये 2014 का मॉडल है और चार साल पहले हमने इस पे किट लगाई थी। जब ये किट लगाई थी तो ऑलमोस्ट उस टाइम भी गाड़ी 40-50 हज़ार किलोमीटर चल चुकी थी। आज ये गाड़ी 1,40,000 किलोमीटर चल चुकी है। बहुत सारे मार्केट के अंदर मिथ हैं कि सीएनजी लगवाने के बाद बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं चलती है, यानी कि आपकी 1,00,000 किलोमीटर ही गाड़ी चल पाएगी। ऐसा नहीं है, बिना किसी ट्रबल के ये गाड़ी 1,40,000 तक पहुंच चुकी है और अभी तक कोई भी इसके अंदर काम नहीं हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि गाड़ी कितनी भी चल जाएगी, क्योंकि अगर गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस की जाए, प्रॉपर टाइम पे सर्विस कराया जाए, लीड प्लग्स का ध्यान रखा जाए, तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो गाइज, इस गाड़ी के अंदर हमने एक इंडियन ब्रांड चूज़ किया था 4 साल पहले, जिसका नाम था डिजी फ्यूल। डिजी फ्यूल एक ऐसा ब्रांड है जो कि मोटोजेन का प्रीमियम कैटेगरी का ब्रांड आता है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस कार के जो ओनर है उनसे पूछेंगे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रही है और गाड़ी जो है एक्चुअल में डैशबोर्ड में एक्चुअल कितनी चली हुई है, क्योंकि 1,40,000 तो हमें जो इस कार के ओनर है उन्होंने बोला है कितनी चल चुकी है। फिटमेंट की अगर बात की जाए तो फिटमेंट के सारे स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं और जितनी भी वायरिंग है सारी की सारी वायरिंग को ट्रिपल लेयर कवर करते हैं। तो रिड्यूसर की बात की जाए तो अब तो खैर डीजी फ्यूल ने अपना रिड्यूसर चेंज कर दिया है। पहले ये वाला रिड्यूसर आता था, अब ये रिड्यूसर को इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। ईसीएम जो है वो 32 पिन का ईसीएम आता है जो कि अंदर की तरफ लगा हुआ है, और ईसीएम भी जो है इटली से ही इंपोर्ट किया हुआ है। सारी की सारी वायरिंग ट्रिपल लेयर है और फिटमेंट की क्वालिटी तो खैर हमारी अच्छी ही है, वो तो सब लड़के अच्छे काम करते हैं। मेन होता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि गाड़ी के अंदर आप कोई भी किट लगवाते हैं उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि किट कौन सी लगाई जाए। सबसे मेन चीज़ होती है कि गाड़ी के अंदर जो वर्कमैनशिप है कैसी हुई है, यानी कि अगर गाड़ी में किट अच्छी लग गई है तो आपकी जो सस्ती किट है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर गाड़ी के अंदर किट की फिटमेंट अच्छी नहीं हुई है तो आप 1,00,000 रुपए की भी किट लगवा लेंगे तो वो भी मज़ा नहीं आएगा आपको। अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं, क्योंकि 3 बॉक्स कार है तो बट ऑफ ऐसी बात है कि स्पेस तो अच्छा निकलता ही है। आप बूट स्पेस देख सकते हैं, बहुत बढ़िया स्टैंड इसमें यूज़ किया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वालिटी यूज़ की हुई है स्टैंड की। और गाड़ी का पीछे से भी एक्सीडेंट हो गया था तो ये स्टैंड का काम कराने दोबारा हमारे पास आए हैं। अगर हम बात करते हैं डैशबोर्ड की तरफ तो जो गाड़ी है वो 1,46,734 किलोमीटर चल चुकी है। आप देख सकते हैं डैशबोर्ड के अंदर, और जो इसका स्विच है वो कैसे काम करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके। अभी गाड़ी में गैस बहुत कम है, आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे एक R लिखा हुआ है, रेड कलर की लाइट है। इसका मतलब है कि गाड़ी के अंदर गैस तो है बट वो रिज़र्व लग चुका है, जैसा कि आप हमेशा देखते हैं पेट्रोल में जितनी भी गाड़ियां होती हैं सब में रिज़र्व का आता है, तो इसमें भी CNG में भी रिज़र्व का है। इस पर गाड़ी चल जाती है, 20-25 किलोमीटर चल जाती है। ये तो रहा कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, और एक बार जैसे कि मैं हमेशा अपनी सारी वीडियोस के अंदर जो फीडबैक होता है, जो जेन्युइन फीडबैक होता है कार के ओनर से हम लेके देखते हैं। सर इजी ड्राइव में आपका स्वागत है, और आपका जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है उन सभी के लिए जो ऐसा सोचते हैं कि गाड़ी लॉन्ग टर्म तक नहीं चलती है CNG पे। आपने गाड़ी में किट कब लगाई थी और क्या परफॉर्मेंस है, क्या माइलेज निकाल के दे रही है सर गाड़ी, क्योंकि आप चलाते हैं तो आपको ज़्यादा पता होता है। देखो हम तो फिटमेंट कर देते हैं, मिक्स फीडबैक आते हैं सबके, किसी की गाड़ी कम चलती है, किसी की ज़्यादा चलती है, तो आपकी थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेटली अगर आप पूछ रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है तो मैं बताऊँगा कि आई एम ए ड्राइविंग पर्सन हु ड्राइव्स लॉन्ग पे जाता हूँ, मैं पहाड़ों पर जाता हूँ, पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा, उत्तराखंड हिमाचल पूरा घूमता हूँ,
और आजकल सीएनजी सेंटर तो सब जगह खुले हुए हैं, तो इवन पहाड़ों तक मैं सीएनजी में गाड़ी चला सकता हूँ। अच्छा। यानी मैंने मसूरी आपके मुक्तेश्वर तक मैंने गाड़ी सीएनजी पे ही चढ़ा के ले गया हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि पावर और पिकअप में ऐसा कोई मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सी, जो स्टार्टिंग में था आई थिंक इसको लगे हुए 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और मैं ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास चला चुका हूँ गाड़ी को, और उसमें भी यानी जैसा फर्स्ट डे था आज भी वैसे, कोई डिफरेंस मुझे अभी तक नज़र नहीं आया है कि भाई कि कुछ डिफरेंस आया हो या फिर बीच में कभी मिसिंग करी हो। पहले मेरे पास गाड़ी थी जिसमें ओल्ड सीएनजी किट लगी थी, वो मिसिंग करती थी, एयर लेती थी, बंद होती थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कभी इसका कुछ परफॉर्मेंस के लेवल पे कभी कोई टेस्ट नहीं कराया, कोई जरूरत पड़ी भी नहीं है, हमेशा बस एक बार वो अभी चेंज कराया है और कुछ नहीं कराया है, तो परफॉर्मेंस वाइज हाई है। और दिन भर मैं हमेशा ड्राइव करता हूँ, आप सोच सकते हैं कि 4-5 साल में मैंने गाड़ी को 1.5 लाख किलोमीटर चला ली है, तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा ड्राइव करता हूँ। और ऑलमोस्ट सी माइलेज सी मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे मैं अगर जयपुर जाता हूँ तो अगर मैंने फुल 8 किलो अगर मेरे उसमें आती है तो ये 250 किलोमीटर चल जाती है। अच्छा। हाँ, हाईवे पे तो 250 मतलब कि आपकी गाड़ी तो का जो माइलेज है 30 के आसपास आ गया। हाँ, अच्छा खासा माइलेज इसका निकल के आता है पेट्रोल पे। अगर तो इवन यानी मैं जयपुर पहुंच जाता हूँ और उसमें शहर को घूम भी लेता हूँ थोड़ा सा। अगर आप पेट्रोल पे ड्राइव करते हो तो माइलेज पेट्रोल पे ड्राइव करता हूँ तो बॉस इसका माइलेज मेरे को जाता है 13-14। हाईवे पे भी 13-14, हाईवे पे 15-16, 1-2 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसे ये ऑलमोस्ट डबल माइलेज। यस, बिल्कुल। हाँ, अगर आप माने तो बिल्कुल ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ही हो गया। फिर भी सिटी में अगर बात की है तो सिटी में मैंने चेक नहीं करता हूँ क्योंकि कितना मैं भरवाता रहता हूँ, डलता रहता हूँ, लेकिन सिटी में कितना डिफरेंस आएगा, 2 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। एक्चुअली सिटी में माइलेज कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, कैलकुलेट भी नहीं करना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि लॉन्ग पे कैलकुलेट हो जाता है माइलेज। सिटी में कभी भी नोटिस किया हो जब आप कम पे फिर कोई भी गाड़ी लेने जाते हैं तो उनकी माइलेज लिखी होती है 30 कंडीशन सप्लाई स्टार लगा होता है। एग्जैक्टली, वही होता है। ये होता है कि जो अगर 30 की माइलेज को क्लेम कर रहे हैं तो एक सर्टेन स्पीड में ही क्लेम की जाती है माइलेज, वो सिटी में कभी भी। इवन दिल्ली में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और मेरा ऑफिस दिल्ली में है तो मैं तो रोज जाम में लगता हूँ, तो वो सीएनजी का मैं इतना, लेकिन जो भी है मेरे को जितना नॉलेज है इसकी सिटी में 22-23 का आराम से इतना भी मुझे पिंच नहीं करता है, तो 10-12 से ऊपर का माइलेज नहीं। बिल्कुल इतना माइलेज और परफॉर्मेंस नो डाउट। पहले जो लोग सोच रहे मिथ थी कि भाई पहाड़ों पे सीएनजी से नहीं काम चले, लेकिन पहाड़ों पे गाड़ी चलती है अगर आपको चलानी सही तरीके से आती हो, अगर आप सही तरीके से चलाते हैं, मोशन बना के चलाते हैं, तो इवन पहाड़ों पे भी सीएनजी चलती है, लेकिन ज़्यादा हाई पे नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत पहाड़ 6,000 किलोमीटर उसमें चलती है अच्छी खासी। इट्स गाड़ी में कोई इंजन का काम कराया अभी आपने? इंजन का मैंने अभी तक नहीं कराया इसमें, इसमें कोई ऑलमोस्ट बस मैं सर्विसिंग जो पिच डेट है उस डेट को मैं सर्विसिंग करा लेता हूँ, सर्विसिंग बस, और कुछ नहीं कराया इसको छोड़ के। तो आप गाइस देख सकते हैं ये है मारुति स्विफ्ट डिजायर जो कि 1,40,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुकी है। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।